नर्मदा जिल्लामां सवारे वावाझोडा साथे वरसाद तूटी पड्यो हतो। वावाझोडामां वृक्षो डाळीओ तूटी हती तो वीज वायरो तूटता वीजळी डोल थई हती अने केळना पाकने पण भारे नुकसान थयाना अहेवाल मळ्या छे। वरसाद बाद तंत्र समारकाम करवामां जोतरायुं हतुं। नर्मदा जिल्लामां सवारे वावाझोडा साथे वरसाद तूटी पड्यो हतो, जेमां बपोरे 12 वाग्या सुधीमां देडियापाड़ा तालुकामां 9 मिलीमीटर, तिलकवाड़ा तालुकामां 0.7 मिलीमीटर, गरुड़ेश्वर तालुकामां 16 मिलीमीटर, नांदोद तालुकामां 12 अने सागबारा तालुकामां 2 मिलीमीटर वरसाद नोंधायो हतो। नर्मदा जिल्लामां आजे वरसेला वरसादने ध्यानमां राखीने जिल्ला कलेक्टर श्वेता तेवतियाए संबंध करता विभागोना अधिकारीओने तात्कालिक सूचना आपी वरसादने पगले जिल्लाना नागरिकोनुं जनजीवन प्रभावित न थाय अने राबेता मुजब रहे ते जोवा ताकीद करी हती। वावाझोडाने कारणे केटलाक विस्तारोमां मार्गो पर तेमज वीज लाइन पर वृक्षो पड़वानी स्थितिमां तात्कालिक असरथी मार्ग अने मकान विभाग, वीज विभाग, पोलीस अने वन विभाग द्वारा तात्कालिक असरथी कामगीरी हाथ धरी हती, जेमां राजपीपळा अने गरुड़ेश्वर विस्तारमां वीज लाइन पर झाड़ पड़ता तेने तात्कालिक दूर करी वीज लाइननुं दुरुस्तीकरण करी वीज पुरवठो पूर्ववत करायो हतो। तेमज नांदोदना अमलेठा, देडियापाड़ा, सागबारा रोड, सागबाराथी महाराष्ट्रने जोड़तो हाईवे राजपीपळा मूवी रोड पर वृक्षो पड़ी जता तेने त्वरित असरथी हटावी रस्ता खुल्ला करवामां आव्या हता।